हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूनिक एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं और इसके पहले सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उस सेशन के बाद हम लोगों ने उस चैप्टर से, उस सेक्शन से जितने भी भारत के जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, यूपीएससी हो गया या किसी भी स्टेट पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, हमने उनको सॉल्व किया था। इसी तरीके से आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे और इसके बाद इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया तो इसको ध्यान देना है। मिनी संविधान किसको कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में संपन्न हुआ था। और एक महत्वपूर्ण जो है डिसीजन की बात करें तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में, जो कि 1973 में ये केस हुआ था, ये मामला देखा गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने क्या कहा था? इसमें कहा था कि संविधान के किसी भी हिस्से में आप बदलाव कर सकते हैं। संसद को कहा था कि संविधान के किसी भी हिस्से में आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इस डिसीजन के बाद ये जो परिवर्तन हुआ ये कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि किसी भी सीमा तक किसी भी प्रकार से जो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस संशोधन को उस सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो भारतीय संविधान, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। वर्तमान में इसमें क्या है, एक प्रस्तावना है और संख्या के दृष्टि से 470 अनुच्छेद है। लेकिन ओरिजिनली जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों की संख्या कितना है? उन अनुच्छेदों की संख्या 395 है। और इसके साथ साथ संविधान में क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अब संविधान सभा में कानून से संबंधित जो भारतीय संविधान सभा था, जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था इसके पहले सेशन में, जो वकीलों का प्रभुत्व था, इसीलिए कई बार भारतीय संविधान की आलोचना करते समय कहा जाता है कि संविधान, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ण है। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा था उसमें वकीलों का, तत्कालीन समय के वकीलों का, देश के तमाम नामी गिरामी वकीलों का प्रभुत्व था, वो संविधान सभा के सदस्य थे। और ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था करी गई है। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए व्यवस्था करी गई है। अब चलिए हम भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो एक तरफ हम क्रम संख्या है, फिर स्रोत है, फिर ग्रहण किए गए प्रावधान है। अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो यहाँ से संघीय तंत्र को ग्रहण किया गया है, राज्यपाल का कार्यालय ग्रहण किया गया है, न्यायपालिका को ग्रहण किया गया है, लोक सेवा आयोग को ग्रहण किया गया है, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण को ग्रहण किया गया है। अगर हम ब्रिटेन की संविधान की बात करें तो संसदीय सरकार पद्धति ग्रहण किया गया है, विधि का शासन ग्रहण किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया गया है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट प्रणाली ग्रहण किया गया है, संसदीय विशेषाधिकार ग्रहण किया गया है, द्विसदन या द्विसदनात्मक प्रणाली ग्रहण किया गया है और रिट जारी करने का अधिकार ग्रहण किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान में जो संसदीय सरकार पद्धति, विधि का शासन या एकल नागरिकता जैसे ये जो विषय दिखते हैं, ये हम ब्रिटेन की संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में इसको लाए हैं। अगर हम यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, उसको यूएसए से वो प्रेरित है, स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से प्रेरित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए से प्रेरित है, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा भी यूएसए से प्रेरित है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और उपराष्ट्रपति का पद भी किससे है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। अगर हम लोग अगला बात करें आयरलैंड के संविधान से, देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ किसी देश का नाम दे देगा कि फला संविधान है, सोर्स ये है, दूसरे तरफ प्रावधान दे देंगे, आपको उसमें मिलान करना होगा। ऐसे भी दे सकता है या स्टेटमेंट के रूप में भी दे सकता है। ठीक, तो हमें इस पर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन, इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुतायत पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब हम आयरलैंड के संविधान की बात करें तो जो डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं हमारे संविधान के भाग चार में है,
वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऐसे प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगर हम कनाडा के संविधान की बात करें तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार, ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। अब हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल कहाँ है, आर्टिकल 108 में है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जर्मनी का वाइमर संविधान था, देखिए जर्मनी में कई संविधान बने, तो जो जर्मनी का वाइमर संविधान है यहाँ से क्या ग्रहण किया गया है, तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है यह प्रक्रिया जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण करी गई है। यूएसएसआर या कई बार इसे आपको ये दे सकता है कि रूस का संविधान, ठीक है, तो पहले यूएसएसआर था, तो इससे देखते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है और प्रस्तावना हमारे प्रियम्बल में जो न्याय की बात करी गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, जो वो सिद्धांत है, वो यूएसएसआर के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो सिद्धांत ग्रहण किए गए फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए। अच्छा, प्रस्तावना में क्या कहां से ग्रहण किया गया है ये ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। यूएसएसआर से जो न्याय है, तीनों प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसे ग्रहण किया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श ग्रहण किया गया है। अब हम अगर दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जाएगा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब हम जापान के संविधान की बात करें तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की गई है। अब देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन, इसमें हमें ध्यान रखना है। तो विधि का शासन कहां से, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो संविधान के प्रमुख भाग हैं, प्रमुख भाग मतलब संरचनात्मक हिस्सा, दार्शनिक हिस्सा और राजनीतिक हिस्सा, ये तीन प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है, संविधान में के बारे में पढ़ते समय हम लोग इसको कवर करते हैं। तो इसके सोर्सेस क्या हैं ये देख लेते हैं, ठीक। तो अगर हम संविधान के स्ट्रक्चरल हिस्से की बात करें, संरचनात्मक भाग की बात करें, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये यूएसए के संविधान से और आयरलैंड के संविधान से क्रमशः ग्रहण किए गए हैं। मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। और जो भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा है, राजनीतिक हिस्सा है, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र भारत में है, ये कहाँ से ग्रहण किया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में और आगे बात करते हैं। देखिए, कठोरता और लचीलापन, इससे संबंधित जब कभी प्रश्न आपसे पूछे कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीलापन लिए हुए है, तो यह न तो कठोर है पूर्णतः और न ही पूर्णतः लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अब इसे हम कैसे और समझ सकते हैं, देखिए बहुत सारे भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान है जिनका संशोधन बहुत ही साधारण तरीके से किया जा सकता है, मतलब साधारण बहुमत से किया जा सकता है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका संशोधन हम कर सकते हैं विशेष बहुमत से, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके बारे में संविधान में जिनमें कुछ प्रावधान इस तरीके से दिए गए हैं जिनमें कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से संविधान का कुछ हिस्सा कठोर है तो कुछ हिस्सा भारतीय संविधान का लचीलापन लिए हुए है, इसलिए भारतीय संविधान दोनों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है यह एकात्मकता की ओर झुकाव लिए हुए है।
अब यहां से परीक्षा में कई बार पूछता है कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, या प्रश्न ये दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत को संघीय व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करती है, या निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी देखना जरूरी है। अगर हम बात करें संघीय व्यवस्था की विशेषता के बारे में, तो जो दो सरकार की व्यवस्था इस तरीके से, अच्छा संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, बहुत आसान भाषा में अगर हम लोग समझे कॉन्सेप्ट के लिए, तो जहां एक से अधिक लोगों के जहां से एक जहां एक से अधिक किसी व्यवस्था का को समान रूप से वर्चस्व, समान रूप से उसे अधिकार दिया जाए, या समान रूप से उनका प्रभुत्व हो, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था मतलब अगर मान लीजिए दो हैं, सेंट्रल हो गया और स्टेट हो गया, तो कुछ ऐसे भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं जहां दोनों को अलग अलग उनके अधिकार संबोधित किए गए हैं, और दोनों एक तरीके से कई मामलों में, मतलब कई मामलों में समान व्यवस्थाएं हैं दोनों में, ठीक है, समान अधिकार हैं, समान शक्तियां हैं, ठीक। हालांकि समान नहीं है, लेकिन कई मामलों में ऐसा है। तो अगर बात करें दो सरकारों की व्यवस्था, तो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ठीक। तो दोनों में देखिए, दोनों में ऐसे सरकारों की व्यवस्था है, दोनों की अपने अलग अलग सरकारें भी हो सकती हैं, ठीक। अलग अलग सरकारों का मतलब अलग अलग राजनीतिक दल की सरकारों से है, ठीक। चलिए, शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन निश्चित रूप से है। देखिए, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, लिखित संविधान है, लिखित संविधान के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि संविधान केंद्र का शासन किस तरीके से चलाया जाएगा, केंद्र के शासन की प्रक्रिया क्या होगी, और राज्य के शासन की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी बात किया गया है। द्विसदन प्रणाली है, द्विसदन प्रणाली है संघीय व्यवस्था की विशेषता, और संविधान की सर्वोच्चता है, ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है। मतलब संविधान सर्वोच्च है, ना तो केंद्र कभी ये कह सकता है कि मैं सर्वोच्च हूं, ना तो राज्य कह सकता है कि मैं सर्वोच्च हूं, संविधान सर्वोच्च है, ठीक। अब एकात्मक प्रणाली की विशेषता, अब एकात्मक किसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे संघ में हमने क्या देखा था, एक से अधिक व्यवस्थाओं में, एक से अधिक लोगों में, एक से अधिक समूहों में, उनको एक तरीके से समान स्तर पे उनको लाया जाना, उनको समान अधिकार प्रदान करना, ये संघीय व्यवस्था को सामान्य रूप से इस तरीके से हम समझ सकते हैं, संघीय व्यवस्था के रूप में, ठीक। लेकिन दो होते हुए भी, सेंटर और स्टेट होते हुए भी, कई मामलों में सेंटर के पास ज्यादा ताकत है, ठीक है। तो ये एकात्मक प्रणाली, इसको समझ इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब जब दो में किसी एक के पास ऐसी थोड़ा अधिक ताकत हो, अधिक शक्ति हो, तो इसे हम एकात्मक प्रणाली समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, मजबूत केंद्र का होना, केंद्र मजबूत है, अब कैसे मजबूत है, देखिए उसके पास आपातकालीन प्रावधान भी है, ठीक है। राज्य में वह पहले तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, पूरे देश में वह जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगा सकता है केंद्र सरकार, ठीक। एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, मतलब कहने का मतलब राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं है, राज्यों की अलग कोई नागरिकता नहीं है। देखिए, एकात्मक प्रणाली की वजह जो केवल एक ही है, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे क्या है, विभिन्न राज्यों के क्या है, विभिन्न राज्यों या कुछ यूटीज के क्या है, उच्च न्यायालय है, उसके बाद विभिन्न राज्यों और यूटीज के डीएफसी है, मतलब सॉरी डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक। फिर उसके बाद एकात्मक प्रणाली मजबूत केंद्र को और क्या मजबूती प्रदान करती है, केंद्र को अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, ये सब क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनका जो नियुक्ति की जाती है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं हो गई। अब संसदीय शासन की व्यवस्था देख लेते हैं। संसदीय शासन की व्यवस्था, तो भारत में जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षीय प्रणाली मतलब, अध्यक्षीय प्रणाली मतलब वहां पे जो मुखिया है, वहां पे जो संविधान, वहां पे जो आप कह सकते हैं कि जो संसद का मुखिया, वहां पे राष्ट्रपति नहीं होता है, वहां पे राष्ट्रपति का अलग से इलेक्शन होता है, ठीक। चलिए, ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली भारत में अपनाया गया है। अब हम शासन की संसदीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं देखें, तो संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में अपनाया गया। अब संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि अमेरिका में नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती, वह वास्तविक कार्यपालिका होता है, और भारत में प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक। तो इस तरीके से
भारत में संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली, क्योंकि वहां पे वो नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होता, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है। यहाँ पे भारत में बहुमत पार्टी का शासन होता है, जिसके पास बहुमत प्राप्त है उस पार्टी का शासन होता है। भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार कार्य करती है, राष्ट्रपति के नेतृत्व में नहीं करती, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति के नेतृत्व में वहां की सरकार कार्य करती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, ठीक है, सदस्यता होती है भारत में, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो कांग्रेस, वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो अमेरिका में का जो मंत्री होता है वह कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है। जो भारत का निचला सदन है, भारत में जो निचला सदन है लोकसभा जो है, उसका क्या हो जाता है, उसका विघटन होता है रहता है, ठीक है, उसका विघटन होता रहता है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। चलिए आगे अब देखें तो भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय का भाव है। चलिए भारत की संसद की संप्रभुता का जो विचार है, संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संसद से आया है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है, अमेरिकी प्रणाली से ग्रहण किया गया है, ठीक है। इस तरीके से देखिए संसद की भी सर्वोच्चता है, भारत में संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता भी है, तो इनका क्या है, समन्वय भारत में देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समन्वय को प्राथमिकता दी है, ठीक है, उचित समन्वय को प्राथमिकता दी है। और भारत में किसका जो है कि शासन है, संविधान का शासन है, ये ध्यान रखना है। मतलब भारत में संसद भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता और न्यायालय भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें संसद कहाँ स्वेच्छाचारी है, तो जैसे कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने की अलावा सभी कार्य कर सकता है। मतलब ब्रिटेन में जो संसद है वो सर्वोच्च है, संसद संप्रभु है, और अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो संप्रभु है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करी गई है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट देश की एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है, सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद कई स्टेट और कई यूटी में क्या होते हैं, उनके उनके हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय तथा अन्य निचली अदालतें होती हैं, जैसे जिला अदालत वगैरह। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमें एक तथ्य ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय अपील नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या है, गारंटर है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसकी गारंटी देता है। अगर ऐसा होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत तो सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक। संविधान का संरक्षक है कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए अब हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए और कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो व्यक्तियों के लिए है। कहने का मतलब कि देखिए कई प्रकार का वो उसमें है, देखिए कुछ तो है नागरिकों के लिए और कुछ है व्यक्तियों के लिए। अब व्यक्तियों में कई बार लीगल व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं, और व्यक्तियों की जब बात करी जा रही है तो इसमें विदेशी व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, जो कि गैर नागरिक होते हैं। तो सभी नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, हमें यह ध्यान रखना है। समानता का अधिकार इनमें से, बल्कि इनमें से कुछ अधिकार व्यक्तियों के लिए भी हैं और कुछ अधिकार इनमें लीगल व्यक्तियों के लिए भी है, यह भी ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अच्छा, इसके बारे में जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उस सेशन में हम लोग विस्तार से देखेंगे। अभी हम लोग चूंकि संविधान की विशेषता देख रहे हैं, इसलिए हम लोग बस उसके बारे में एक ओवरव्यू देखते चले जा रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसके बारे में बात करी गई है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसके बारे में बात करी गई है।
चलिए, इसके पहले हम लोगों ने देख भी लिया था इसी समय कि किसी भी भारतीय नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे सीधे कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है और उच्च न्यायालय वह आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को क्या देते हैं, आदेश और निर्देश दे सकते हैं। इस संदर्भ में न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट भी कहते हैं। तो जो रिट होते हैं, पांच रिट होते हैं ना, उन्हें हिंदी में, उन्हें हिंदी जो उनका उच्चारण है उन्हें प्रादेश कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें रिट कहते हैं। जैसे क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे। परमादेश हो गया, निषेधादेश हो गया, ठीक है, इसी को कई बार निषेधाज्ञा भी बोलते हैं। अधिकार परीक्षा हो गया और उत्प्रेषण प्रादेश हो गया या उत्प्रेषण रिट हो गया। तो ये रिट जारी करके जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ रहता है उसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाता है न्यायालय के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात करते हैं। तो जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। जो डीपीएसपी है यह भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य है यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों या डीपीएसपी को शामिल किया गया है। हालांकि यह हमें ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स तो वाद योग्य होते हैं लेकिन जो डीपीएसपी होता है वह वाद योग्य नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसा कि हम फंडामेंटल राइट का हनन होने पर हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट में जा सकते हैं और उन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि न्यायपालिका द्वारा भले लागू नहीं कराया जा सकता लेकिन यह डीपीएसपी संविधान का हिस्सा है। एक केस हुआ था, ध्यान रखना है, मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था 1980 में। इसमें कहा गया था कि जो भारतीय संविधान की स्थापना है वह मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर करी गई है और जो ये जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच जो संतुलन है यह क्या है। अगला है हमारा मौलिक कर्तव्य, अगला क्या है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका मतलब मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद मौलिक कर्तव्य, मतलब ये तो जोड़ा गया था लेकिन 86वें संविधान, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं था और संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद ही मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था, भाग 4 क में जोड़ा गया था और आर्टिकल 51 क के अंतर्गत 10 इसमें मौलिक अधिकार थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरीके से मौलिक कर्तव्यों की संख्या आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत, आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत कितनी हो गई है, 11 हो गई है। ध्यान रखना है कि जो डीपीएसपी है डीपीएसपी की तरह भी न्यायपालिका द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी लागू नहीं कराया जा सकता। चलिए अब अगले बिंदु पे आते हैं, पंथ निरपेक्ष हमारे सेकुलर वर्ड का जो हिंदी रूपांतरण किया गया वह भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष के रूप में किया गया है। धर्म निरपेक्ष की तुलना में पंथ निरपेक्ष और भी सारगर्भित है इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्दावली का प्रयोग किया गया। हालांकि कई बार पुस्तकों में धर्म निरपेक्ष वर्ड का भी प्रयोग मिलता है। तो हम लोग पंथ निरपेक्ष को लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि वास्तविक
जो संविधान की वास्तविक जो विचार है, या जो कह सकते हैं कि वास्तविक जो विचार शैली है, वह पंथ निरपेक्षता को दर्शाता है। ठीक, तो पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके पहले पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन ध्यान रखना है कि संविधान सभा में जो वाद विवाद हो रहे थे, जो चर्चा हो रहे थे, उस डिस्कशन में यह बात कही गई थी कि भले ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या सेकुलर शब्द को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम मतलब किसी भी ऐसे प्रक्रिया को बढ़ावा देंगे जो कि भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता को क्या करता है, वायलेट करता है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान होगा हम लोगों ने जब पहला सेशन देखा था संविधान का निर्माण, तो उसमें जो अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित उपसमिति भी बनाई गई थी, अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित उपसमिति भी बनाई गई थी। ठीक है, जो भारत की पंथ निरपेक्षता को पुष्ट करती है। तो चलिए, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा पर आधारित है, यह भी ध्यान देना है। सकारात्मक अवधारणा पर आधारित है कहने का मतलब यह है कि किसी भी धर्म को भारत के धर्म मतलब भारतीय संविधान किसी भी धर्म को भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, और सभी धर्मों के साथ एक साथ व्यवहार करता है, सभी धर्मों के प्रोत्साहन के लिए, सभी धर्मों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए समान रूप से जो है स्टेट कार्य करता है। ठीक, अगला जो विशेषता है वह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मूल रूप से संविधान में 21 वर्ष की आयु तय करी गई थी वोटिंग करने के लिए, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की उम्र है वह घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे भी संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1988 यहाँ पे क्यों है, 1988 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसी समय संविधान संशोधन बिल लाया गया था। ठीक है, जो एक्ट बना था वह 1989 में बना था, इसलिए यहाँ पे 88, कंफ्यूजन नहीं करना है। एकल नागरिकता, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, देखा है। स्वतंत्र निकाय, भारतीय संविधान कुछ भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था करता है। जैसे क्या करता है, जैसे इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब क्या है, ये सब संवैधानिक रूप से स्वतंत्र निकाय है जो कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करते हैं। अब हम कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में आगे देखें, तो आपातकालीन प्रावधान, इसके बारे में जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तब हम लोग हर एक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम लोग ओवरव्यू देखते चलते हैं। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करी गई है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करी गई है, और राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 365 के बारे में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। वित्तीय आपातकाल की बात अनुच्छेद 360 में करी गई है, हमें यह ध्यान रखना है कि आपातकाल के दौरान संघीय संरचना बिना किसी संशोधन के ही परिवर्तित हो जाती है और देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। मतलब कि एकात्मक संविधान, देखिए यहीं पे है कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, केवल एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसी नोटिफिकेशन के द्वारा जो सरकार है, वह जो सत्ता है, वह पूरी तरीके से केंद्र के अधीन आ जाती है। तो यही है एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था को हम इससे भी समझ सकते हैं। अब त्रिस्तरीय सरकार की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा व्यवस्था विश्व के किसी भी लोकतंत्र में नहीं है, विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है कि किसी भी देश में तीन स्तरों पे लोकतांत्रिक सरकार का प्रावधान किया गया हो, लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 73वें और अनुच्छेद सॉरी भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1992 में ऐसी व्यवस्था करी गई। अब हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 की, तो इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर जो पंचायत हैं उनको मान्यता प्रदान करी गई। ठीक, अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो
1992 में यह संविधान संशोधन किया गया था और इसके द्वारा से भाग 9A जोड़ा गया था और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची ऐड करी गई थी और इसके द्वारा शहरी स्थानीय सरकार या नगर पालिका को मान्यता प्रदान करी गई थी संवैधानिक रूप से। ठीक, अब हम सरकारी समितियों के बारे में बात कर ले, सहकारी समितियों के बारे में बात कर ले, तो यह क्या है, यह सहकारी समितियों से संबंधित जो प्रावधान जोड़ा गया था यह 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था संविधान में, इसे संवैधानिक दर्जा और संरक्षण भी प्रदान किया गया। अब देखिए मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19 में यह शामिल है इसी संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को, तो ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सहकारी समितियों संबंधी प्रावधान जोड़ा गया, कहाँ पे, अनुच्छेद 43B का हिस्सा है। और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9B, कौन सा भाग, 9B जोड़ा गया, जिसका नाम रखा गया सहकारी समितियां, और इसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और कुछ नए पॉइंट्स मिले तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स में उसे ऐड ऑन करेंगे। अगले सेशन में हम लोग भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रस्तावना के बारे में कुछ बात करेंगे और प्रस्तावना के घटक क्या है, प्रस्तावना के महत्व के बारे में बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस सेशन या इन दोनों सेशन पे आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आए रहेंगे उन्हें हम लोग कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।